नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, तक्षशिला विद्यापीठ द्वारा चलता ऑनलाइन लेक्चर में हूँ गीता बारी आपनो हार्दिक स्वागत करूँ छू। विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण पांच नी अंदर विषय विज्ञान में जय विज्ञान की एटले के विज्ञान नो जय हो ए काव्य छे एनो आगळनो अभ्यास करीशू। विद्यार्थी मित्रों, आपणे आगळना लेक्चर नी अंदर काव्य छे ए भणी गया, एनो हवे रिविजन करिए। तो के जवान खेडूत अने विज्ञाननो जय जयकार हो। विज्ञाननी शोधोने कारणे चारे बाजु सुख नजरे पड़े छे, समय अने शक्ति छे ए आपणी बचे छे। आ नवा नवा साधनोनी शोधे तो भाई जादू सर्जो छे। मोबाइल परथी सीधी ज वात थई शके छे। पेजर, फेक्स अने एनाथी आपणे संदेशा दूर दूर सुधी पहोंचाड़ी शके छीए। मानवी आ सगवड़ोने लीधे पोताना जीवन पथने सरल बनावीने आगळ वधी रह्यो छे। अने कम्प्यूटरे तो भाई नवी क्रांति सर्जी छे। इंटरनेट थी प्रत्यक्ष वात थाय छे अने चारे बाजू थी खुशी सवाई छे। नवा युगना बाळको कहे छे के आपणी शान એટલે કે શોભા છે। હવે જો આપણે સમયની સાથે કદમ મિલાવીને ચાલીશું તો દુનિયામાં આપણી કીર્તિ વધશે અને માનવતા સાથે આપણે પ્રયત્નો કરીશું તો ધરતી પર સોનાનો સૂરજ જરૂર ઉગશે। જય જવાન, જય કિસાન, જય વિજ્ઞાન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે શબ્દાર્થો છે એ જોઈ ગયા અને મુહાવરાના અર્થ પણ જોઈ ગયા અને અભ્યાસના પ્રશ્નો પણ ગયા, લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈ ગયા। તો હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એ તરફ આગળ વધીએ। તો સ્વાધ્યાયની અંદર પહેલો પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે કે કમ્પ્યુટર ઓર ઇન્ટરનેટ સે હમે ક્યા લાભ હુએ હે। મારી સાથે નોટબુક કાઢીને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો તમે લખતા જજો, એકવાર રફ નોટમાં લખજો, પછીથી અને તમારે સ્વાપોથીની અંદર જેટલા પ્રશ્નો પણ હોય એટલા લખવાના છે। હવે આપણે કમ્પ્યુટર ઓર ઇન્ટરનેટ સે હમે ક્યા લાભ હુએ હે હુએ હે। હવે કમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટથી આપણને શું લાભ છે એ થયો છે એ લખવાનું છે। તો કે કમ્પ્યુટર, હું અહીંથી બોલું છું, નોટબુકમાં લખવાનું ચાલુ કરજો। કમ્પ્યુટર ઓર ઇન્ટરનેટ સે હમે કઈ લાભ હુએ હે। કમ્પ્યુટર ઓર ઇન્ટરનેટ સે હમે કઈ લાભ હુએ હે। ઇસકી મદદ સે હમ ઘર બેઠે દૂસરી જગહ લિખિત સંદેશા પલ ભર મેં ભેજ સકતે હે। ફરીવાર બોલું છું, બીજી લાઈન, ઇસકી મદદ સે હમ ઘર બેઠે दूसरी जगह लिखित संदेशा पल भर में भेज सकते हैं। दूर रहने वाले रिश्तेदारों से सीधी बात कर सकते हैं। दूर रहने वाले रिश्तेदारों से सीधी बात कर सकते हैं। नौकरी का आवेदन पत्र भेज सकते हैं। बीजो प्रश्न छे, नौकरी का आवेदन पत्र भेज सकते हैं। हवे एनी पछी छे, घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे जोईए तो बीजो प्रश्न के समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। तो एनी अंदर तमे लखो, विज्ञान के लखाई गयू विज्ञान के। हवे एने हूँ पूछू छू, हवे आगळना शब्दों लखो, नए। विद्यार्थी मित्रों, ऊपर शिरोरेखा तमे बांधता जजो। विज्ञान के नए नए उप
करणों उपकरणों नए नए उपकरणों हवे एनी पशीनु लखो विज्ञान के नए नए उपकरणों 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 के उपयोग उपयोग से उपयोग से विज्ञान के नए नए उपकरणों के उपयोग से समय समय और एनी पशीनु लखो शक्ति की बचत होती है। विज्ञान के नए नए उपकरणों से समय और शक्ति की बचत होती है। हवे एनी पछी आगळनो वाक्य लखो मोबाइल से बड़े बीजा नंबरना प्रश्न करी मोबाइल से तुरंत संदेश दे सकते हैं। मोबाइल से तुरंत संदेश दे सकते हैं। तो यहाँ समय की बचत होती है। यहाँ समय की बचत होती है। पछी से बॉम्ब से पहाड़ तोड़ा जा सकता है। बॉम्ब से पहाड़ तोड़ा जा सकता है। यहाँ शक्ति की बचत होती है। हवे पछी त्रीजो प्रश्न छे किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। तो तीसरा प्रश्न जवाब लखो टेलीफोन मोबाइल फैक्स और पेजर इंटरनेट के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। टेलीफोन मोबाइल फैक्स पेजर इंटरनेट के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है। एने पछी चौथो प्रश्न छे हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे। हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे। तो हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाएं निर्माण करेंगे। हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाएं निर्माण करेंगे। यानी पछी पांचमो प्रश्न छे क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं। तो जवाब लखो मिलजुल कर अच्छे अच्छे काम कर और समय के साथ कदम मिलाकर हम दुनिया में यश पा सकते हैं। छठू से तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्यों। तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्यों। तो मुझे विज्ञान के सभी आविष्कार अच्छे लगते हैं लेकिन इनमें से मोबाइल सबसे अच्छा लगता है क्योंकि
मोबाइल के उपयोग से तुरंत सीधा संदेश भेजा जा सकता है, उसको हम आसानी से अपने पास रख सकते हैं। दुर्घटना जैसी आपत्ति में मोबाइल के कारण तुरंत मदद मिल जाती है। प्रश्न नंबर 2 छे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशियाली की गंगा यमुना लहराई, बच्चे नहीं सदी के बोले दूनी अपनी शान की। हमें अपने जोए तो के इन पंक्तियों में कंप्यूटर और इंटरनेट की बात बताई गई है। इन दोनों उपकरणों से हमें संदेशा भेजने की गणन प्रक्रिया की सरलता हो गई है, हमारे समय और शक्ति की बचत हुई है। नई सदी के बच्चे उसे अपनी शान कहते हैं। बीजी काव्य पंक्ति से, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वस्तु दा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जवान की जय विज्ञान की जय हो जय किसान की। यदि हम समय के साथ चलेंगे तो हमें जरूर यश सफलता मिलेगी। अपने प्रयत्नों से धरती पर हम सुख सुविधा ला सकेंगे। विज्ञान के उपयोग के साथ हमें मानवतापूर्ण व्यवहार भी करना चाहिए। हवे तीसो प्रश्न छे, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उपकरण, तो उपकरण पंखा और ट्यूबलाइट बिजली से चलने वाले उपकरण है। उपकरण के साधन तो के पंखो और ट्यूबलाइट ए बिजली से चलवा वाला साधनों छे। मोबाइल, तो मोबाइल से हम सीधी बात कर सकते हैं। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पर गणन प्रक्रिया भी हो सकती है। क्रांति, तो विज्ञान ने हर क्षेत्र में क्रांति कर दी है। खुशहाली, नए नए उपकरणों के कारण चारों ओर खुशहाली नजर आती है। हवे चित्र देखकर अपनी कापी में वाक्य लिखे, लेकिन चित्र जोईने तमारे तमारी नोट में वाक्यों लखवाना छे। मां पहलू वाक्य छे के लड़का पढ़ता है, लेकिन छोकरो वाँचे छे। बीजू चित्र से मोर नाचता है, मोर नाचे छे। लड़की दौड़ती है, छोकरी दौड़े छे। पहलू वाक्य छे लड़का पढ़ता है, छोकरो वाँचे छे। मोर नाचता है, मोर नाचे छे। लड़की दौड़ती है, छोकरी दौड़े छे। हवे नी पछीना चित्रों से आपणे जोईए तो इन अंदर छे चौथु वाक्य, लड़का पानी पीता है, लड़का स्नान कर रहा है, लड़का केले का छिलका कूड़ेदान में डाल रहा है। लड़का पानी पीता है, लड़का स्नान कर रहा है। छठु वाक्य छे लड़का केले का छिलका कूड़ेदान में डाल रहा है। हवे अपने सातमू चित्र छे एने जोईए अने एने लखीए तो सातमा चित्रनी अंदर छे लड़का क्रिकेट खेलता है, धोबी कपड़े धो रहा है, एक आदमी विकलांगी पहे वाली कुर्सी को धक्का मारता है। सातवें चित्र में है लड़का क्रिकेट खेलता है, धोबी कपड़े धो रहा है, एक आदमी विकलांग की पहियों वाली कुर्सी को धक्का मारता है। हवे दसमो चित्र जोईए तो लड़का सो रहा है, ठेले वाला फल की लारी लेकर खड़ा है। लड़का सो रहा है, ठेले वाला फल की लारी लेकर खड़ा है। लड़का बगीचे में पौधों को पानी पिला रहा है, लड़का
बगीचे में पौधों को पानी पिला रहा है। तो आ बारे बार चित्रों आपणे जोया। हवे अहीं तमने कह्युं छे के प्रवृत्तिमां वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके कहानी, जीवन प्रसंग, घटना आदि ढूंढकर भित्तपत्र बुलेटिन बोर्ड पर चिपकाए चर्चा कीजिए। वैज्ञानिक खोज वरदान या शाप। हवे तमारे पढ़िए और समझिए। नी अंदर आपेलू छे के आ नीचेना शब्दों छे। टेलिफोन तो दूरभाष, मोबाइल तो भ्रमणभाष, कम्प्यूटर तो गणन यंत्र। हवे आपणे आनी ऊपर चर्चा छे एक ऊपर करिए। तो विज्ञान खोज छे के शाप छे, एटले के विद्या वरदान, विज्ञान आपणा माटे वरदान छे के शाप छे। तो आपणे जोईए, वैज्ञानिक खोज हमारे लिए वरदान है क्योंकि वैज्ञानिक खोजों से हमारा जीवन सुखमय बन गया है। जैसे कि टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर से हमें समय की बचत हुई है। पल भर में हम दूर तक संदेशा भेज सकते हैं। बिजली के उपकरणों से हमें सुख सुविधा मिली है। किसान ट्रैक्टर और जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग कर ज़्यादा धन धान्य पैदा कर सकता है। किसान का समय और शक्ति दोनों बचते हैं। विद्यार्थी मित्रों जुओ, खेती नी अंदर तो वैज्ञानिक शोधों ने कारण वधारे वधारे क्रांति आई है। केम के पहलाना समय नी अंदर माणसे मोटा भागनु काम हाथे करवू पड़त। कूवामांथी पाणी खेंचवू होय तो पण बे बळद अने बे माणस आखो दिवस रोकाय त्यारे ए थई रहेतु। एनी बदले हवे पंप आવી ગયા તો સીધું પાણી આપણે ખેંચી શકીએ છીએ। જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ કરીને મોલાતમાં થતી જીવાતોને આપણે મારી શકીએ છીએ અને વધારે વધારે ધન ધાન્ય આપણે ઉત્પન્ન કરી શકીએ છીએ। પહેલાના સમયમાં માટીથી લીપણ કરીને ખળું બનાવવામાં આવતું, એની ઉપર બળદને ચલાવવામાં આવતા અથવા તો ધોકા વડે એને ધોકાવવામાં આવતું। હવે સીધું હોલરમાં લઈ લઈએ છીએ થ્રેસરની અંદર, એટલે દાણાઓ પણ છૂટા પડી જાય છે। એટલે કિસાન એટલે કે ખેડૂતની સમય અને શક્તિ બંને બચે છે। વૈજ્ઞાનિક ખોજો કે કારણ મરીજો કા ઇલાજ કર ઉસકો જીવનદાન દે સકતે હૈ। બીમારિયા ફેલતી હૈ તો ઇન્હેં હમ કાબૂ મેં કર સકતે હૈ। રેલવે, બસ, વિમાન, વિજ્ઞાન કી ખોજ કે કારણ હમે આસાની સે થોડે સમય મેં દૂર કી યાત્રા સુવિધાપૂર્વક કર સકતે હૈ। सचमुच वैज्ञानिक खोजे हमारे लिए वरदान है। सिर्फ मानव जाति उसका विवेकपूर्ण और सावधानी से उपयोग करे यह आवश्यक है। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणो आजनो लेक्चर अहीं पूरो थाय छे। तमारे आखो स्वाध्याय रफ नोट में एक वक्त लखवानो छे अने ज्यारे होमवर्क बतावो त्यारे तमारी होमवर्क नी बुक छे ए साथे लईने आववानी छे।